बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चीत दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चीत दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामद कहे ए मोमिनो, सुनियो एह बीतक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुकम हक, जो हुआ हुकम अक। साथ सबे मिल बैठ के, धामधनी अक्षरातीत हमारी प्राण के प्रीतम, ये घटनाक्रम बीतक साहेब घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रम को जोड़ते हुए, कल के प्रसंग में हमने पांच नलुए औरंगजेब बादशाह के नदी की व्यक्ति, नदी की अधिकारी लोगों को कांजी भाई के माध्यम से ये पत्र पहुंचाए, फिर दोबारा कांजी भाई उसका उत्तर मांगने के लिए कि क्यामत जाहिर हो चुकी है, सात निशान जाहिर हो गए, इमाम मेहंदी भी आ चुके हैं, तुम ये संदेश बादशाह तक पहुंचाओ। लेकिन ये बेचारे क्या करे, पहले से ही मूल स्वरूप ने दिल में ले लिया था के लोग स्वीकारने वाले नहीं थे। कुरान में इन लोगों के लिए लानत लिखी है, फिटकार लिखी है। कोई जवाब वहां नहीं मिले। बाद में भी दो महीने तक राह दिखी नलुए के जवाब की, उत्तर की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और अंतिम हमने दयाराम भाई, वैसे तो आगे और मोमिन और सुंदर साथ जी ये प्रसंग को पूर्ण करते हुए जब अगले रुके के प्रसंग में हम पहुँचे, तब नंदलाल घड़ियाल जी जिसने गुसल खाने पर रुका चिपकाया लगाया,
सुंदर सा जी, हम धाम धनी के प्रयास को तो देखिए, वैसे अक्षरातीत को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो एक आदेश से, बस अपने हुक्म से इस सृष्टि का महाप्रलय करने में समर्थ है। लेकिन तब जो औरंगजेब बादशाह जग जाता, तो तभी तो अभी आगे पन्ना तक मोमिनों की जमात के साथ, और इतना नहीं वहाँ झंडा गाड़ना था, आखर की वाणी खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की भी उतरनी बाकी थी। इतना भी नहीं, अभी मोमिनों की जमात भी पन्ना जी तक 5,000 की एकत्रित होगी, और वाणी के आधार पर 12,000 ब्रह्मात्माओं का आना। और इतना भी नहीं, पूरे संसार को अखंड मुक्ति देने का भी संदेश वाणी में लिखा गया। तो नेक रखी रात खेच के सो भी वास्ते तुम, तो हम सब ब्रह्मात्माओं को जो पहचान करने के लिए हम सब आए यहाँ, जो परमधाम में राज्य के दिल की पहचान नहीं हो पाई थी, जो पूर्ण पहचान करने के लिए आए, ये सब बातों को लेकर कल के प्रयास में भी सफलता नहीं मिली, ये रुका शेख सलेमान को इस नौकरी से उतार दिया, अब्दुल्ला ने रुका ले लिया, लेकिन बादशाह तक नहीं पहुंचा। मैंने अभी बताया, ये भी मूल स्वरूप की इच्छा थी, उसके आदेश के अनुसार ही हुआ। और अंतिम श्री जी जब दिल्ली पहुंचे, सब सुंदर साथ मिले, अनंत राय लालबाई सब मिले, और लालदासी ने अंतिम बोला के हे धनी, आप एकांत स्थान सुरक्षित स्थान पर रहिए, हम सरा तोरा के सामने धर्म युद्ध करके ये बादशाह तक ये संदेश पहुंचा के रहेंगे, बस आपके आदेश की हम राह दिखेंगे, बस आपका हुक्म, आप अभी एक एकांत स्थान में सुरक्षित रहिए। अंतिम वहाँ तक हम इस प्रकरण को देखा और आगे बताया कि साथ सब मिल बैठ के लगे करने प्रयान। तो आगे औरंगजेब बादशाह के साथ भेंट तो हो जाएगी इस प्रकरण के माध्यम से, धाम धनी इस घटनाक्रम के माध्यम से आगे भेंट भी हम कैसे हुई, सुंदर साथ दरबार में जाएंगे, ये सब कुछ ये घटनाक्रम के माध्यम से हम श्रवण भी करेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी, इसमें भी अधूरी विजय होगी, ये भी मूल स्वरूप, क्योंकि मूल स्वरूप समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, सामर्थ्यवान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन मैंने पूर्व बताया कि अभी मूल स्वरूप का आदेश इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी बहुत से काम बाकी है। तो यहाँ आगे और एक प्रयास ये संदेशवाहक के रूप में, हमारे जो बार मोमिन जाएंगे, और आज बार मोमिनों की क्या कुर्बानी है, आज एक एक प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए। एक एक चौपाई के माध्यम से आज राज्य ने ऐसी प्रेरणा की कि एक वृतांत के रूप में नहीं, एक एक चौपाई के माध्यम से हम सुनेंगे कि 12 मोमिन, वैसे तो कई मोमिनों ने कुर्बानी दी ये धर्म युद्ध के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए, लेकिन ये 12 जो मोमिन का नाम आप अभी सुनेंगे प्रारंभिक चर्चा में, ये 12 मोमिन निजानंद संप्रदाय की नींव है, पाया है। ये 12 मोमिन की जो ये पाए में नींव में, उसी पर ये अध्यात्म की एक
भवन खड़ा होगा, अध्यात्म की एक इमारत खड़ी होगी। इतना नहीं, ये 12 मोमिन हमारे पुखराज पहाड़ के जो नीचे थंब लिखे है, खंबे लिखे है, ये पुखराज की नींव में भी वो है। इतना नहीं, परम धाम की जो जो नियामते, जो जो शोभा लिखी है, ये सब के नींव में हमारे 12 मोमिन अपना समर्पण, अपना त्याग और अपनी अपना प्रेम की अग्नि में कैसे इन लोगों को, इतना नहीं उस दरबारी लोगों की अज्ञानता को कैसे जलाएंगे। आप इस प्रकरण के माध्यम से आगे सब श्रवण करेंगे कि 12 मोमिनों ने कैसे चल के दिखाया है, सिर्फ कह के नहीं करके दिखाया है। कहनी सुनी गई रात में आया रहनी का दिन, वो चरण को उसने सार्थक करके दिखाया है। तो यहाँ साथ सबे मिल बैठ के लगे करने पर यान, सब सुंदर साथ मिलकर औरंगजेब बादशाह के पास ये संदेश कैसे पहुंचाया जाए। इतना नहीं, उसको संदेश पहुंचाने के लिए अब हम क्या करें, और आगे भी विचारा कि क्या करना चाहिए कि उस मन में कौन कौन किसके मन में, औरंगजेब बादशाह के मन में ये क्यामत संबंधी, ये इमाम मेहंदी संबंधी विश्वास आ जाए कि कुरान में जो लिखा है कि इमाम मेहंदी आएंगे क्यामत के समय, तो उसने पढ़ तो रखा है लेकिन विश्वास कैसे दिलाया जाए। तो यहाँ मोमिन आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे उसको विचार दिलाया जाए, विश्वास दिलाया जाए। इतना नहीं, उसके लिए हम क्या करें ये हम आगे की चौपाई में सुनेंगे। उससे पहले हम किरंतन ग्रंथ की चौपाई के माध्यम से हम सुने, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सिख लो ऊपर धाम धनी कसम, साथ जी सो भा देखिए करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म। प्राणाधार सुंदर साथ जी, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, इस प्रकरण के माध्यम से, ये प्रथम चौपाई के माध्यम से जब किरंतन ग्रंथ की ये वाणी का ये प्रकरण जब उतरा, तब महामती इंद्रावती की आत्म ने अपने पर लिया। लेकिन आज ये घटनाक्रम किसवर घटित हो रहा है, और आज महामती पांचों शक्तियां जो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है, वो महामती अपने स्वरों में सब सुंदर साथ को प्रबोधित करती हुई क्या कह रही है कि सुंदर साथ जी, आपकी शोभा को तो आप देखिए, आपको क्या शोभा मिली है, क्या आपको पता है आपको क्या अवसर मिला है, क्या अवसर आपने पाया है, जो आखर का ये जो क्यामत का ये जो जागनी का दौर चल रहा है, वो ये भी आज जो तेजी से चलना चाहिए। और 400 साल पहले पूर्व जो मोमिन
ये कुर्बानी के लिए, बलिदानी देने के लिए निकल पड़े और धर्म युद्ध के लिए ये निजानंद संप्रदाय की राह पर कैसे वचनों से युद्ध किया है। तो आज इसी समय आप सबको ये लागू होता है कि तुम भी अपना कर्तव्य, क्या बताया, तुम भी अपना कर्तव्य, जैसे मोमिन 400 साल पहले अपना कर्तव्य पूरा करने, क्योंकि अपने सिर पर ये उत्तरदायित्व था सबका, ये कर्तव्य, ये फर्ज पूरा करने के लिए मोमिन जब औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए थे, तो आज तुम्हारे पर भी, तुम्हारे सिर पर भी यही जिम्मेदारी है, यही कर्तव्य है कि तुमको कितनी बड़ी संसार में शोभा मिली है। देखो, राज जी ने तुमको अपने नेत्रों में, अपनी नज़र की छत्र साया में कैसे लिया है, पल पल तुम्हारे पर ये राज जी मेहर कर रहे हैं। तो बताया कि साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी, मतलब बार बार बस इस अवसर की प्रशंसा की गई है। क्या अवसर? ये जागनी का अवसर। और मैंने प्रकाश ग्रंथ की चौपाई कई बार बोली है, वो अवसर संभारो साथ, अवसर आए वो छे हाथ जी, कैसा अवसर मिला है, ये पहले नहीं था, आज है। और जो हम ये समय, हमारी जो परीक्षा ली जा रही है कुर्बानी की, बलिदान, हमारी प्रेम की परीक्षा जो ली जा रही है, उस परीक्षा में जब हम पास नहीं होंगे, मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि कोई भी बच्चे स्टूडेंट एक साल तक जब स्कूल में अपना, अपनी पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, लेकिन एक साल की स्टडी के बाद 3 घंटे की ही एग्जाम होती है, एक पेपर 3 घंटे का ही होता है। 3 घंटे में पूरा साल का कितना आपने आत्मसात किया, कितना याद रखा, कितना पेपर में लिख पाते हो, ये परीक्षा होती है। जब वैसे भी परीक्षा और हमारी भी परीक्षा, मतलब आपने अभी तक कहा किस तरह की पहचान की है, जो आपके अंदर राज्य के प्रति पहचान बनी है, तो आप इस राह पर बस निकल जाइए। ये मोमिनों की परीक्षा है, ये आखिर की घड़ी है, अभी हमारे पास समय नहीं बाकी रहा है। क्या बताया, साथ जी शोभा देखिए, हम आगे बढ़े। तो इंद्रावती अपनी आत्मा को कह रही है कि हे अक्षरातीत, ध्यान से सुनिए, हे अक्षरातीत, हे धाम के धनी, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्रियतम, मैं आप पर मेरा सब कुछ न्योछावर, मेरा सब कुछ समर्पित, मेरा सब कुछ कुर्बान, क्या मेरा तन मन जीव सब कुछ मैं आप पर वार देती हूँ। इतना नहीं, मेरी आत्मा भी हे प्रियतम आपकी है, मैं तो आपकी कियल, मतलब इंद्रावती ने बोला ना, मैं तो आपकी कियल, वो कौन बोल सकता है जिसने अधिकार पा लिया है, जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया है। मैंने एक दिन आपको किरंतन की एक चौपाई सुनाई थी, मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि मेरे वश की धेलवा लारे अमथी अलगा केम करी थासो, वही तो आत्म बोल सकती है। आज हमारे लिए भी वही अवसर है कि हमने अधिकार पाया वहाँ तक का कि हम कह सके कि मैं आपको अपने दिल रूपी पिंजरे में कैद कर क्या करूँ। मैंने शटरूति की ये बात आपको बताई थी बीतक में, ये इंद्रावती ने जो दावा करके आई थी उसने पा लिया, अपने धाम दिल में बैठा लिया। इतना नहीं, सागर सिंगार में तो ये भी बोल दिया कि धनी मेरे नेत्र, मतलब है तो आंतरिक नेत्र, आत्मिक चक्षु की बात, क्या बताया, मैं ऐसे ही मेरे आत्मिक चक्षु में ऐसे ही बंद करके कैद करके रखूं कि धनी मेरी नेत्र खोलूं भी नहीं, कदाचित मैं खोलूं ने तो इससे पहले मैं आपका चरण कमल पकड़ लूं तो आप कैसे बाहर निकलोगे, मतलब कैसे जाओगे, ये तो जाहिर ही बात की।
मतलब धाम दिल में कैसे बसा लिया है इंद्रावती ने अपने धनी को। ये तो सबके लिए राज्य है, ऐसा नहीं कि इंद्रावती के एक के लिए है। हम भी बल करें उसी जैसा। क्या रास में झगड़ा नहीं हुआ था इंद्रावती और केसरबाई का? तभी क्या हुआ था, केसरबाई ने झगड़ा किया ने, बोले कि अरे कब से आप खेल रही हो धनी के साथ, अब छोड़ो ने तो मैं भी खेलूं। तब इंद्रावती ने क्या बोला, अरे भाई यहाँ कोई ऐसी ढीली ढाली सखी नहीं है, तू छुड़वा के ले ले, तू भी इतना बल करने, राज्य तो सबके लिए है। क्या बताया था, ये किसकी बात चल रही है सुंदर साथ जी? राज्य बच्चों सबके है ने, राज्य ऐसे थोड़ी करेंगे कि एक रूह को लाड करेंगे, एक रूह को स्नेह करेंगे, प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे और हमको नहीं करेंगे। लेकिन हमारी दोट मतलब त्याग, समर्पण, तप, प्रेम, विरह जो एक ब्रह्मात्मा के अंदर गुण होना चाहिए, कहाँ हमारे पर अंदर है ये? ये तो इंद्रावती ने 6 माह तक ये तन को तपाया अवसे में और राज्य को प्रत्यक्ष किया। हमारे अंदर कहाँ ये पीड़ा बनी है कि जितना दिल से राज्य के प्रति लगना चाहिए, इतना भी हमारे अंदर राज्य के लिए बैठक नहीं बनी है। सब रिश्ते परिवार के साथ हमारा जो दारेषणा, सगे संबंधियों का जो मोह अंदर, मतलब इतना स्पर्श किया हुआ है कि पता नहीं राज्य के प्रति ये पीड़ा ही नहीं जग रही है। यहाँ पहली चौपाई में साथ जी शोभा देखिए, इंद्रावती ने अंतिम बोला कि मेरा तन मन तो न्योछावर है, मेरी आत्मा देखो अपना सब कुछ दे दे, फिर हमारा कहने का तो कोई बाकी ही नहीं रहा। हम तो सिर्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम वाणी के आधार पर जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, और हम तो आज हुक्म के हक के आज हुक्म हम बोलते हैं, लेकिन राज्य थोड़ा कुछ हमारा काम ना हो तो हम सीधा दोष किसको दे देंगे, राज्य को। और राज्य को बांधने में भी हम कितना बोलते हैं, दावा तो लिया सुंदरसा जी, अधिकार प्राप्त नहीं किया है, इंद्रावती ने ये अधिकार प्राप्त किया। अपनी आत्मा भी, और अपनी आत्मा को इंद्रावती क्या कह रही है कि मेरी आत्मा भी राज्जी आपकी शोभा और सिंगार में प्रेम लेकर डूब जाए, बस और संसार की ओर ना देखे। तो ये इंद्रावती ने ये किरणतन अपने पर लेके ये भाव दिखाया, मतलब बताया इस प्रसंग के माध्यम से। लेकिन यहाँ जो मोमिन कुर्बानी की राह पर जो निकले हैं, बलिदानी की राह पर, तो यहाँ ये इस सब सुंदर साथ को लागू होता है। और आज 400 साल के बाद हम जो सुंदर साथ बैठ रहे हैं, अभी बैठे हैं, और जो सुंदर साथ कल सुनेंगे, ये सबको आखिर में सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम सब एक साथ मूल मिलावे में इतना सिर ऊंचा करके बड़े बड़े दावे किए थे कि राजी एक बार नहीं 100 बार देखो अजमाई के, ऐसी भूले नाम, ऐसी थोड़ी कठोर है हम, ऐसी थोड़ी नादान है हम। तो ये जो 12 मोमिन और आगे कुर्बानी को नाम सुनत, ध्यान से सुनिए, कुर्बानी को नाम सुनत मोमिन उलसत अंग, पीछे हते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। कुर्बानी को नाम सुनत, जैसे ये मोमिनों ने, मैं सिर्फ ये मोमिनों की बात नहीं करूँ, ये तो कुर्बानी की बात तो प्रेरणा एक स्तोत्र बन गई, लेकिन अभी हमको कैसे चलना है, क्या करना है, कहाँ तक कुर्बानी देनी है। हम तो सिर्फ बस एक दिन की रसोई, दुख मत लगाना, मतलब एक बात समझा रही हूँ कि एक दिन की रसोई दे दी भंडारे की आज की, ठीक है, कोई भी किसी की कल की थी, कल मेरी भी शायद होगी,
ठीक है, मैं भी एक भाव तो लेकर आई होगी कि चलो मैं भी एक रसोई दे दूँ, मेरा भी काम बन जाए, राज्य अपने चरणों में ले ले, परमधाम में मूल तन में जागृत कर दे, क्योंकि ऐसे से विचार रहते ना हमारे अंदर। तो एक दिन की रसोई दे दी, या बहुत तो बहुत 100 रुपये के मिठाई के पैकेट शायद मंदिर में रख देंगे, वो रख दिए होंगे, या कदाचित थोड़ी बच्चे की सेवा कर ली, या कोई उधर उधर की यहाँ की सेवा कर ली, और क्या मान लिया कि हमारा भी काम बन गया। नहीं, ये सेवा भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रसोई की सेवा नहीं देना, मतलब कल भाई कोई ऐसा ना सोच ले कि रसोई की सेवा नहीं देनी है, सिर्फ वाणी पढ़नी है, ये नहीं कह रही हूँ, ये सेवा भी जरूरी है, लेकिन हर प्रकार की मोमिनों ने सेवा की है। देखो पहला त्याग तो उसका देखो कि घर परिवार को छोड़ दिया है उसने, उसको महाजर कहा गया। जब सूरत का प्रसंग आया था ने, तब मैंने बहुत विस्तार से ये बात रखी थी, सगे संबंधी रिश्ते परिवार का जो त्याग किया, छोड़ दिया एक झटके, जैसे ही श्री जी मान लो सूरत में पहुंचे तो नागजी भाई निकल पड़े, भीम भाई निकल पड़े, मुकुंदासी पीछे रह गए थे वो भी सूरत में पहुंच गए सुंदर साथ जी। एक बार श्री जी की चर्चा सुनी है वहां, हम कितने साल से सुनते आ रहे हैं, कितना बड़ा त्याग किया है। हम 5 दिन यहाँ आए ने, 5 दिन में 5 बार नहीं, रोज 5 बार एक बार फोन करते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक 5 बार तो घर परिवार में फोन करते होंगे कि कैसे हो, ठीक तो हो ने, मैं यहाँ रुकने वाली हूँ, मतलब कोई वहाँ कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी, या जो भी हो परिवार को लेकर बातें होती रहती है ना। 5 दिन के लिए आए, एक दिन में 5 बार फोन करेंगे, क्या छोड़ा हमने, या आके भी उसकी लेके बैठे घर परिवार की। उन मोमिनों ने वहां जैसे श्री जी की चर्चा सुनी, तभी ये सब मोह को तोड़ दिया। कुर्बानी किसको कहते हैं, क्या एक श्रीफल फोड़ दो समाप्ति में, उसको कुर्बानी कहते हैं क्या? मैंने अभी बताया रसोई दे दो, उसकी कुर्बानी कहते हैं क्या? मिठाई का पैकेट लगा दो, ये कुर्बानी कहते हैं क्या? या कोई वेशभूषा बदल ली, या घर परिवार में थोड़ी कुछ धन संपत्ति छोड़ दी, उसको कुर्बानी कहते हैं क्या? कुर्बानी की व्याख्या में अंतिम बता दूं, हमारे अंदर जो वासना है, जो तुष्णा है, जो इच्छा है, जो अंदर बहुत जन्म जन्मांतर के संस्कारों से जो बनी हुई है, अभी भी हर संसार की चीज को देखकर जो अंदर एक इच्छा बन जाती है, विचार उठते हैं, संकल्प विकल्प खड़े होते हैं, तो इससे हमारी जो कई तृष्णा इच्छाएं जो अंदर पैदा होती है, ये सब समाप्त हो जाए, बस माया की ओर हमारी एक विचार भी ना आए, उसको कहते कुर्बानी। इन मोमिनों ने ये कुर्बानी के लिए वो तैयार, ये विचार, ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं, ये वासनाएं सब समाप्त हो गई है, तभी तो इस राह पर चल पड़े हैं। हमारे अंदर घर से निकले, शायद बस स्टेशन तक भी पहुंच गए, गाड़ी में भी बैठ गए, फिर एक विचार आए कि अरे घर परिवार में इन लोगों को थोड़ा कुछ ठीक ठाक रखने के लिए तो मैं कहना भी भूल गई, फिर गाड़ी से उतर कर क्या बोलेंगे कि भाई ये इधर उधर कर लेना, ये इधर उधर कर लेना। देखो निकलते टाइम तक भी इच्छा मरी नहीं है ना, इन मोमिनों ने कहां तक कुर्बानी की है, सब कुछ, मैं क्या क्या बात रखूं और क्या छोड़ूं। कुर्बानी बलिदानी किसको कहते हैं, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आए, इन चट्टाई पर बैठ के 2 घंटे चर्चा सुन ले, इतनी देर की कोई कुर्बानी कुर्बानी नहीं है, 2 घंटे यहाँ चर्चा सुन ली ये भी एक कुर्बानी है, लेकिन ये 2 घंटे के लिए वैराग्य है। इन मोमिनों ने यहाँ आते ही खड़े रहे, जाके धनिए पकड़े हाथ, कहाँ तक, अपना अंतिम श्वास तक बंगला जी दरबार में, उसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बानी को नाम सुनत मोमिन उलसत अंग, जैसे इन लोगों को पता चलाने के सब धर्म युद्ध के लिए अपना त्याग, अपना प्रेम, अपना समर्पण, सब कुछ बस धनी की राह पर, प्रेम की राह पर समर्पण कर दिए, ये तो निकल गए, चलो मैं पीछे रह गई, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर,
फुरमान में फुरमाया, ये चौपाई बार बार लागू होती है कि दौड़ो, बस अभी सूता हो सो, ये समय अभी नहीं रह गया, ये समय सूता हो सो जागियो, अज्ञानता रूपी नींद में हो तो जाग जाओ, और जागा बैठा फिर आप अज्ञानता रूपी नींद से खड़े हो जाओ, और बैठा ठाढ़ा और खड़े हो जाओ मतलब ज्ञान की राह पर चल पड़ो, और फिर टाढ़ा पांव भरे आगे सोई। इतना नहीं, अपने अंदर ज्ञान और प्रेम की राह पर चलकर, चितवनी की राह पर चलकर, बस मूल मिलाव में परात्म तन में जागृत हो जाओ। और यहां और आगे क्या बताया ध्यान से सुनिए, कुर्बानी को नाम सुनत मोमिन उलसतंग। जैसे ही जो कोई पीछे रह गए कुर्बानी में, कैसे पीछे रह गए, श्री जी की चर्चा तो सब सुनते आ रहे थे, लेकिन थोड़े दिन के लिए किसी पर माया का आवरण आ गया, आप बीतक के माध्यम से सुनते हैं ठीक है, इतने दिनों से और आगे भी सुनेंगे, कोई घर पर चले गए, फिर घर में भी माया ने शांति नहीं लेने दी, क्योंकि एक बार श्री जी की चर्चा जिस दिल में पहुंच गई ने, आएंगे आगे जहान मोहम्मद सब ठीक है, वो चैन से कैसे रह पाए। एक बार श्री जी की चर्चा जिस रूह के दिल में पहुंच गई, वो तो मोमिन है ही नहीं, वो तो परमधामी आत्मा है ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूं? आप सब भी सुन रहे हो ना राज्य की बात, ये धनी की बात है, ज्योत्स्नाबेन की बात नहीं है। एक बार ये सुन ली ने, फिर आपको संसार अग्नि लगना चाहिए, घर में चैन नहीं पड़ना चाहिए। ये मोमिनों के लिए क्या कहूं, जो मोमिन पर थोड़ी देर के लिए माया का आवरण आ गया ने, देखो ऐसे लालदास जी, फिर आगे हमने देखा मुकुंददास जी, फिर क्या घर में रह पाए सुख चैन से, निकल पड़े ने दिल्ली में रामचंद्र पंसारी के द्वारा। फिर खबर पूछी तो श्री जी कहाँ थे, दिल्ली में थे, तो वहाँ पहुँच गए ने, तो क्या उसको पता चला कि क्या मोमिन उलसतंग, उसके अंदर विचार आया कि अरे अंदर उल्लास उत्साह समाता ही नहीं कि चलो फिर हम परात्म तन में सिर ऊंचा करके कैसे दिखाएंगे, क्योंकि कोल तो हमने सबने साथ में किया है, धाम एक जुट एक सांच। तो सत्य की कुर्बानी, सत्य की राह पर कौन कुर्बानी करेगे, और जुट की राह पर कौन कुर्बानी करेगा। तो यहां बताया कि सत्य की राह पर परम धाम की आत्मा अपना तन मन जीव और आत्मा सब कुछ कुर्बान कर देगी, और संसार के जीव ये कुर्बानी नहीं करेंगे इस राह पर, संसार के जीव नहीं, क्योंकि वो कर्म कांड की राह पर चल रहे, उसके अंदर कोई विरह नहीं है, उसके अंदर कोई पीड़ा नहीं है, तो प्रेम तो कैसे आएगा। दुख से विरह उपजसी, विरह से प्रेम, इसक प्रेम जब आइया तब नेहचे मिली हक। तो संसार के जीव या दो प्रकार की कुर्बानी, इतनी ईश्वरी सृष्टि भी कुर्बानी नहीं कर सकेंगे जितनी ब्रह्मात्मा करेगी। तो राज्य को किस पर आशा है, आशा मतलब राज्य का हमारे पर अधिकार है, तो आशा तो करेंगे हमारे पर कि हमारी मोमिन गई है, मेरी एक आवाज सुन लेगी ने, तो वो पहचान जाएगी कि मेरी धनी की पुकार आई है, मेरी धनी की आवाज़ आ रही है। देखो यहाँ भी की पत्नी भी एक पति की थोड़ी कुछ कहीं पड़ोस में बोलते तो आवाज़ सुन के पहचान लेती कि देखो ये आ गए, स्कूटर की आवाज़ सुन के भी पहचान लेती गाड़ी की। तो देखो ये संसार की कीचड़ की बात है, तो भी मन कितना सावधान अलर्ट रहता है, तो आत्मा के अंदर तो कितना बल है, क्या राज्य की आवाज़ सुनकर वो कुर्बानी में तैयार नहीं होगी क्या, तो धिक्कारे इस जीव को, दिक दिक पड़ो मेरी इंद्रियों, दिक दिक पड़ो मेरे तन को मन को जीव को, जो याद न किया धनी धाम। यही तो समय आ गया याद करने का, मतलब कोई बैठे बैठे माला जाप कर लो, या
ऐसी कमरे में कोई एक दो घंटे वाणी पढ़ लो या दो घंटे ध्यान कर लो, ये कुर्बानी नहीं, ये तो स्वयं के लिए किया, संसार के लिए क्या किया। लेकिन हम तो स्वयं के लिए भी सूत नहीं कात रहे हैं, और तो सवा शेर कातना है, हमको भी जगना है और दूसरे को भी। बोलते ना कातन वाली आईया। यहां इन मोमिनों ने क्या कितना सूत काता, तकले पर चढ़ाकर जो सूत कात रही है, इसको ईमान रूपी ये तकला तो मिला। यही प्रकरण में आगे बताया मैंने, तभी ये बात नहीं रखी थी, आज मैं ये बात रखना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, के कातने के लिए तो सब एक साथ आई, कोई पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी रही, पड़ोसी के साथ चबूतरे पर बाहर बैठ के बेकार की फालतू बातें करती रही। इतना नहीं, किसी ने तो क्या किया, काता भी नहीं और कातने भी दिया। जो कात रही थी ना, उस घर में घुसकर प्रवेश कर वहां भी बातों में, संसार की बातों में उलझा दिया, लगा दिया, उसने भी नहीं काता और कात रही थी उसको भी कातने। शायद मान लो हम दूसरे घर में गए, ठीक है, राज्य की बात करने के लिए जाए तो कोई बात नहीं, हमने तो हमारे घर में कुछ राज्य की याद भी नहीं, अंदर मतलब कोई चिंतन भी नहीं किया, कोई वाणी भी नहीं पढ़ी है, ध्यान चितवनी भी नहीं किया, और पास वाले पड़ोस में सुंदर साथ ध्यान चितवनी की राह पर चल रहे हैं, वाणी भी पढ़ रहे हैं, तो हम रोज़ वहाँ जाके वो जो कर रहे हैं अपने चिंतन में डूब रहे हैं, वहाँ जाके उसका भी बिगाड़ा नहीं हमने। क्या बताया कि अपना तो नहीं काता, दूसरे को भी कातने नहीं दिया। यहाँ ये नहीं बनना है, यहाँ तो शेर कात के अपनी आत्मा को जगाना है, और सवा शेर काते ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को सबको संदेश देना है। तो यहां बताया कि परीक्षा सबकी होए, और तीसरे चरण में कायरों के दिल में बड़ा जो पेठा डर, दिल में मुनाफकी थी बनाए बातें करे ऊपर। कायरों के दिल में यहां राजी ने इस प्रकरण के माध्यम से क्या बताया कि इसमें ऐसे भी सुंदर साथ थे। कैसे सुंदरसा जी, हमारी बात हो रही है कि सबके ईमान पक्का नहीं होता, अडिग नहीं होता, डगमगा जाता सामान्य से चिंता में, थोड़े सा कोई चिंता आ जाए तो सीधा ईमान राज्य पर का हट जाता। यहां बताया कि जो सुंदर साथ को वहां विचार विमर्श के लिए एकत्रित किया था, उसमें थोड़े से सुंदर साथ ऐसे भी थे। तो क्या आज वर्तमान में भी हमारे सुंदर साथ में भी ऐसा नहीं होता, कोई तो किसी किसी तो का तो ईमान कितना अडीग है कि चाहे हमारे परिवार में करोड़ों कष्ट आए तो भी हमारा ईमान अडीग रहता, और कोई सुंदर साथ ऐसे है कि थोड़ा सा कष्ट आया ईमान सीधा डगमगा जाता। तो यहाँ भी ऐसे सुंदर साथ तभी थे, कितने कैसा बताया कि अपने मन में डर था कि औरंगजेब बादशाह में के दरबार में संदेश देने के लिए जाएंगे तो वहाँ के मुस्लिम लोग कदाचित हमको मार भी देंगे। तो बाहर से तो ऐसे दिखावे कर रहे थे, कैसे लगता है कि अभी पूर्ण रूप से उस राह पर वो चलने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से क्या विचार कर रहे थे, अंदर से क्या विचार कर रहे थे कि नहीं हमको ना बुलाया जाए, कदाचित बुला ले ये लोग हमारे मोमिन तो वहाँ मौत का भी संकट खड़ा हो जाएगा, तो चलो ऐसे भी दुविधाग्रस्त मतलब दो विचार वाले राजी ने किरंतन ग्रंथ के 63 नंबर के प्रकरण में बहुत सुंदर बात रखी है कि ऐसे भी मोमिन थे, बाहरी बनावटी बातें करते थे, दिखावा करते थे, श्री जी के नज़दीक भी रहते थे, लेकिन आंतरिक रूप से राज्य के प्रति प्रेम नहीं थे। तो सुंदर शाह जी, ऐसे छल वाले दिल कभी भी राज्य की राह पर नहीं चल सकते, राज्य को कभी भी धोखा मत दीजिए, राज्य कभी भी छल्ले नहीं जाएंगे, ये तो नुकसान हमारा हो रहा है।
यहाँ राज जी ने तीसरी चौपाई में बताया कि कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर। तो यहाँ आग परो तिन कायरो, आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेत। क्या बताया? आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेत। और कैसे? सकुचे जीव देत। तो ऐसे मोमिन जो परम धाम की राह पर चलने के लिए अपना सिर मतलब अंदर अभिमान रखते, अपार अपने अंदर विनम्रता नहीं है, शालीनता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, सील नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, जो ब्रह्मात्मा के गुण होने चाहिए। राजी ने कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, इसका दूसरा चरण है। सब श्रृंगार को क्या श्रृंगार? मैंने अभी जो पहले बोला, सील का, संतोष का, धैर्य का, करुणा का, नम्रता का, विनम्रता का, शिष्टाचार का, जो हमारे अंदर गुण और बलिदान का, कुर्बानी का, ये गुण के सिरे क्या है? प्रेम। तो ये गुण जब मोमिनों के अंदर नहीं होंगे तो क्या आएगा अंदर? अभिमान, कंजूसी, वो सिर नहीं झुका पाएगी, वो धर्म की राह पर पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगी। यहाँ बताया कि आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेत। तो ए मोमिन कैसे सरफा करे अपने सिर का? क्या बताया? सरफा करे अपने सिर का, सकुच जीव देत। वो क्या कर रहे हैं? अपने को बचा रहे हैं, ये कुर्बानी की राह पर पूर्ण रूप से चलने के लिए तैयार नहीं है। अपने अंदर अभिमान रख रहा, स्वाभिमान रखना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं। तो राज जी ने इन तीन चौपाइयों के माध्यम से कितना, और चौथी चौपाई में क्या प्रयास की बात करें धामधनी, एक आशिक इन भात के, अब प्रेम की राह पर चलने वाले मोमिनों की बात आई। देखो, एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्मा। एक आशिक ऐसे थे, ऐसा नहीं कि सब ऐसे थे मोमिन, जो मैंने अभी बताया, अंदर अभिमान रखते थे और पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए थे, लेकिन ऐसे आशिक भी थे कि राज्य के एक आदेश पर, राज्य के एक हुक्म पर मर फिटने के लिए तैयार थे। बस राज्य के कदम पर कदम रखने के लिए वो आगे तैयार थे। ऐसे आशिक कौन थे? कौन थे? तो यहां लालदासी और शेख बदल भाई का नाम बताया। वैसे तो 12 मोमिन है, लेकिन एक जुट एक सांच। तो सत्य की कुर्बानी, सत्य की राह पर कौन कुर्बानी करेंगे और जुट की राह पर कौन कुर्बानी करेगा? तो यहां बताया कि सत्य की राह पर परम धाम की आत्मा अपना तन मन जीव और आत्मा सब कुछ कुर्बान कर देगी, और संसार के जीव ये कुर्बानी नहीं करेंगे इस राह पर। संसार के जीव नहीं, क्योंकि वो कर्म कांड की राह पर चल रहे, उसके अंदर कोई विरह नहीं है, उसके अंदर कोई पीड़ा नहीं है, तो प्रेम तो कैसे आएगा? दुख से विरह उपज सी, विरह से प्रेम, इसक प्रेम जब आइया तब नेहचे मिली हक। तो संसार के जीव या दो प्रकार की कुर्बानी, इतनी ईश्वरी सृष्टि भी कुर्बानी नहीं कर सकेंगे जितनी ब्रह्मात्मा करेगी। तो राज्जी को किस पर आशा है? आशा मतलब राज्जी का हमारे पर अधिकार है, तो आशा तो करेंगे हमारे पर कि हमारी मोमिन गई है, मेरी एक आवाज़ सुन लेगी ने,
तो वो पहचान जाएगी कि मेरी धनी की पुकार आई है, मेरी धनी की आवाज़ आ रही है। देखो यहाँ भी की पत्नी भी एक पति की थोड़ी कुछ कहीं पड़ोस में बोलते तो आवाज़ सुन के पहचान लेती कि देखो ये आ गए। स्कूटर की आवाज़ सुन के भी पहचान लेती गाड़ी की। तो देखो ये संसार की कीचड़ की बात है तो भी मन कितना सावधान अलर्ट रहता है। तो आत्मा के अंदर तो कितना बल है, क्या राज्य की आवाज़ सुनकर वो कुर्बानी में तैयार नहीं होगी क्या? तो धिक्कार है इस जीव को, धिक धिक पड़ो मेरी इंद्रियों, धिक धिक पड़ो मेरे तन को मन को जीव को, जो याद न किया धनी धाम। यही तो समय आ गया याद करने का। मतलब कोई बैठे बैठे माला जाप कर लो, या ऐसी कमरे में कोई एक दो घंटे वाणी पढ़ लो, या दो घंटे ध्यान कर लो, ये कुर्बानी नहीं। ये तो स्वयं के लिए किया, संसार के लिए क्या किया? लेकिन हम तो स्वयं के लिए भी सूत नहीं कात रहे हैं, और तो सवा शेर कातना है। हमको भी जगना है और दूसरे को भी। बोलते ना कातन वाली आइया। यहाँ इन मोमिनों ने क्या कितना सूत काता। तकले पर चढ़ाकर जो सूत कात रही है, इसको ईमान रूपी ये तकला तो मिला। यही प्रकरण में आगे बताया मैंने, तभी ये बात नहीं रखी थी, आज मैं ये बात रखना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, के कातने के लिए तो सब एक साथ आए, कोई पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी रही, पड़ोसी के साथ चबूतरे पर बाहर बैठ के बेकार की फालतू बातें करती रही। इतना नहीं, किसी ने तो क्या किया, काता भी नहीं और कातने भी नहीं दिया। जो कात रही थी ना, उस घर में घुसकर प्रवेश कर वहाँ भी बातों में, संसार की बातों में उलझा दिया, लगा दिया, उसने भी नहीं काता और कात रही थी उसको भी कातने। शायद मान लो हम दूसरे घर में गए, ठीक है राज्य की बात करने के लिए जाए तो कोई बात नहीं, हमने तो हमारे घर में कुछ राज्य की याद भी नहीं अंदर, मतलब कोई चिंतन भी नहीं किया, कोई वाणी भी नहीं पढ़ी है, ध्यान चितवनी भी नहीं किया, और पास वाले पड़ोस में सुंदर साथ ध्यान चितवनी की राह पर चल रहे हैं, वाणी भी पढ़ रहे हैं, तो हम रोज़ वहाँ जाके वो जो कर रहे अपने चिंतन में डूब रहे वहाँ जाके उसका भी बिगाड़ा नहीं हमने। क्या बताया कि अपना तो नहीं काता, दूसरे को भी कातने नहीं दिया। यहाँ ये नहीं बनना है, यहाँ तो शेर कात के अपनी आत्मा को जगाना है, और सवा शेर काते ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को सबको संदेश देना है। तो यहाँ बताया कि परीक्षा सबकी होए, और तीसरे चरण में कायरों के दिल में बड़ा जो पेठा डर, दिल में मुनाफकी थी बनाए बातें करे ऊपर। कायरों के दिल में यहाँ राज्जी ने इस प्रकरण के माध्यम से क्या बताया कि इसमें ऐसे भी सुंदर साथ थे। कैसे सुंदर सा जी, हमारी बात हो रही है कि सबके ईमान पक्का नहीं होता, अडिग नहीं होता, डगमगा जाता सामान्य से चिंता में, थोड़े सा कोई चिंता आ जाए तो सीधा ईमान राज्जी पर का हट जाता। यहाँ बताया कि जो सुंदर साथ को वहाँ विचार विमर्श के लिए एकत्रित किया था उसमें थोड़े से सुंदर साथ ऐसे भी थे। तो क्या आज वर्तमान में भी हमारे सुंदर साथ में भी ऐसा नहीं होता? कोई तो किसी किसी तो का तो ईमान कितना अडीग है कि चाहे हमारे परिवार में करोड़ों कष्ट आए तो भी हमारा ईमान अडिग रहता, और कोई सुंदर साथ ऐसे है कि थोड़ा सा कष्ट आया ईमान सीधा डगमगा जाता। तो यहाँ भी ऐसे सुंदर साथ तभी थे कि कितने कैसे बताया कि अपने मन में डर था कि औरंगजेब बादशाह में के दरबार में संदेश देने के लिए जाएंगे तो वहाँ के मुस्लिम लोग कदाचित हमको मार भी देंगे। तो बाहर से तो ऐसे दिखावे कर रहे थे, कैसे लगता है कि अभी पूर्ण रूप से उस राह पर वो चलने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से क्या विचार कर रहे थे, अंदर से क्या विचार कर रहे थे कि नहीं
हमको ना बुलाया जाए, कदाचित बुला ले ये लोग हमारे मोमिन तो वहाँ मौत का भी संकट खड़ा हो जाएगा। तो चलो ऐसे भी दुविधाग्रस्त मतलब दो विचार वाले राजी ने कीर्तन ग्रंथ के 63 नंबर के प्रकरण में बहुत सुंदर बात रखी है कि ऐसे भी मोमिन थे, बाहरी बनावटी बातें करते थे, दिखावा करते थे, श्री जी के नज़दीक भी रहते थे, लेकिन आंतरिक रूप से राजी के प्रति प्रेम नहीं थे। तो सुंदर शाह जी ऐसे छल वाले दिल कभी भी राजी की राह पर नहीं चल सकते। राजी को कभी भी धोखा मत दीजिए, राजी कभी भी छल्ले नहीं जाएंगे, ये तो नुकसान हमारा हो रहा है। यहाँ राज जी ने तीसरी चौपाई में बताया कि कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, तो यहाँ आग परो तिन कायरों, आग परो तिन कायरों, जो धाम की राह न लेत, क्या बताया, आग परो तिन कायरों, जो धाम की राह न लेत, और कैसे सकुचे जीव देता। तो ऐसे मोमिन जो परम धाम की राह पर चलने के लिए अपना सिर मतलब अंदर अभिमान रखते, अपार अपने अंदर विनम्रता नहीं है, शालीनता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, सील नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, जो ब्रह्मात्मा के गुण होने चाहिए। राजी ने कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, इसका दूसरा चरण है, सब श्रृंगार को, क्या श्रृंगार, मैंने अभी जो पहले बोला सील का, संतोष का, धैर्य का, करुणा का, नम्रता का, विनम्रता का, शिष्टाचार का, जो हमारे अंदर गुण और बलिदान का, कुर्बानी का, ये गुण के सिरे क्या है, प्रेम। तो ये गुण जब मोमिनों के अंदर नहीं होंगे तो क्या आएगा अंदर, अभिमान, कंजूसी, वो सिर नहीं झुका पाएगी, वो धर्म की राह पर पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगी। यहां बताया कि आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न, धाम की राह न लेत, तो ये मोमिन कैसे सरफा करे अपने सिर का, क्या बताया, सरफा करे अपने सिर का, सकुच जीव देत, वो क्या कर रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, ये कुर्बानी की राह पर पूर्ण रूप से चलने के लिए तैयार नहीं है, अपने अंदर अभिमान रख रहा, स्वाभिमान रखना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं। तो राज जी ने इन तीन चौपाइयों के माध्यम से कितना, और चौथी चौपाई में क्या प्रयास की बात करें धामधनी, एक आशिक इन भात के, अब प्रेम की राह पर चलने वाले मोमिनों की बात आई, देखो, एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्मा। एक आशिक ऐसे थे, ऐसा नहीं कि सब ऐसे थे मोमिन, जो मैंने अभी बताया, अंदर अभिमान रखते थे और पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए थे, लेकिन ऐसे आशिक भी थे कि राज्य के एक आदेश पर, राज्य के एक हुक्म पर मर फिटने के लिए तैयार थे, बस राज्य के कदम पर कदम रखने के लिए वो आगे तैयार थे। ऐसे आशिक कौन थे, कौन थे, तो यहां लालदासी और शेख बदल भाई का नाम बताया। वैसे तो 12 मोमिन है, लेकिन ऐसे आशिक थे कि राज्य का बस हुक्म आया, उधर की ओर नहीं देखा कि राज्य ने क्यों हुक्म किया, किस लिए किया, क्यों किया, इस ऐसे बारे में सुना ही नहीं, बस निकल पड़े। ऐसे आशिक के लिए मैं एक चौपाई गाऊंगी, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, इश्क बड़ा रे सबन में
ना कोई इसका समान, एक तेरे इस कमीना, एक तेरे इस कमीना, उड़ गई सब जहान, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समान, ना कोई इश्क समान, इश्क को यही लक्षण नैनो पलक ना ले, इश्क को ही यही लक्षण नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे। सुंदर साथ जी, दौड़े फिरे क्या बता, इश्क का क्या लक्षण है? नैनो पलक ना ले, इश्क बढ़ा रहे समन में, ना कोई इश्क समान। यहाँ जो मोमिन इश्क की राह पर चल पड़े, धनी की प्रेम की राह पर अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तो यहाँ राची ने इस चौपाई के माध्यम से बताया कि इस संसार में इश्क प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, और परिक्रमा ग्रंथ की प्रथम नंबर की चौपाई में भी ये बताया, अब कहूँ रे इश्क के बात, इश्क सबदा तित साख्यात, जो कदी आवे मिने सबद, तो छौदे तबक करे रद। ये इश्क जब अंदर आ जाएगा ने, तब हमारे लिए चौदह तबक की दुनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारे अंदर से पूर्ण रूप से ये क्या हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा इस चौदह लोक का। जाहिरी महाप्रलय नहीं, हमारे अंदर संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या बताया कि इश्क की क्या निशानी है, इन मोमिनों के अंदर ये गुण है, इसलिए मैंने ये चौपाई गाई कि इन मोमिनों के अंदर ये इश्क क्या, इश्क नौ प्रकार की भक्ति से ऊपर जो दसवीं प्रेम लक्षणा, ये भी नहीं, ये भी अनन्य प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, ये अनन्य जो प्रेम है, और राज्य के दिल का जो गंजान गंज इश्क है, वो इश्क ये मोमिनों के दिल में उसकी लहर उठ रही है, और इस राह पर चलने के लिए वो तैयार हो गए। और जब ये इश्क आ जाए ने, तो मोमिन क्या करेगी, अंदर नैनो पलक ना ले, एक क्षण भी आत्मा की चक्षु, ये चक्षु नहीं, ये तो सो जाएगी, जीव का तो एक सीमित समय होता है, इस शरीर की एक मर्यादा होती है, तो ये तो पंच महाभूत का बना, ये शरीर तो सो जाता है, लेकिन तन सुवे रूह निस्दिन जागे, रूह मतलब आत्मा क्या करेगी, एक क्षण भी अंदर से पलक, मतलब जैसे हम ये आँख के पलकारे ऐसे खोलते हैं एक क्षण में फिर बंद करते हैं ने, तो इतनी देर बंद हो जाती ने, इतनी देर तो राज्य की छवि हमारे से हट जाती ने। यहाँ क्या बताया कि जो परम धाम की रूह होगी वो क्या करेगी, अंदर से एक क्षण के लिए अपनी आँख आत्मचक्षु को बंद नहीं करेगी, नैना पलक ना ले। तो यहाँ इश्क की क्या निशानी है, इसकी राह पर हमने बोल तो दिया कि हम प्रेम के स्वरूप है, हम आनंद के स्वरूप है, हम वाहदत के स्वरूप है, लेकिन आज जो समय आया ये परीक्षा का, तो हम कितने चल पा रहे हैं, ये लालदासी शेख बदल और बार मोमिनों के रहनी को देख के हम सब सुंदर साथ को प्रेरणा दे रहे हैं। आगे चौपाई में बताया कि एक आशिक इन भात के तन मन दिया वार, कुर्बानी ये सुनते ऊपर पर्वत दिगार। फिर एक आशिक कैसे है, देखो इसमें
कौन है ऐसे प्रेम में डूबने वाले, ये तो हमको अभी बताया कि ये प्रेम में डूबने वाले आशिक है, लेकिन इससे आगे अपनी आत्मा का पूर्ण रूप से समर्पण। धनी आप जो भी करो, हम अर्जी में बोलते हैं ना, पिया तुम हो तेसी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी। हम बोलते ना पिया तुम हो तेसी, तो एक आत्मा ऐसे ही समर्पण की राह पर निकल पड़ी है कि अपनी ओर बस देखना ही नहीं चाहती, बस धनी मेरी आत्मा भी आपकी राह पर, प्रेम की राह पर मैंने समर्पण कर दी। अभी 12 मोमिनों का नाम शुरू हुआ, दो का तो हमने ले लिया, कौन कौन से, एक लालदासी और एक शेख बदल, और तीसरे आगे बताएंगे कायम मुल्ला। लेकिन इससे पहले जो इन मोमिनों ने क्या त्याग किया है, क्या समर्पण किया है, ध्यान से सुनिए जी इस प्रसंग को, भले 5 चौपाई लिए जाए आगे राज्य कर देंगे इस मंजिल को पूरा, लेकिन अभी मैं जो समझाना चाहती हूँ आगे, ये जो 12 मोमिनों ने क्या छोड़ा है संसार में, मैं 2 चौपाई के माध्यम से आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ कि भली बुरी इन दुनी की, ये 12 मोमिनों ने क्या छोड़ा है अंदर से, भली बुरी इन दुनी की तुम ल्याओ जिन चित ल्याय, सूरत पक्की करी करो धाम की, परातम धनी मिलाय। दुख सुख डारो आग में, दुख सुख डारो आग में इन झूठी माया के, इन 2 चौपाई को हम समझेंगे, भली बुरी इन दुनी की। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिए आगे, हमारा कोई प्रशंसा करे, हमारी कोई सिफत गाए, मान लो मैं यहाँ से नीचे उतरूंगी तो 4-5 सुंदर साथ कोई ऐसे ग्रुप में बोलने के, दीदी बहुत अच्छी चर्चा की, तुम तो बहुत अच्छी चर्चा करती हो, या देख सब सुंदर साथ के बीच में आपस में यही बात हो रही है, तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, मैं कितनी खुश होगी, मतलब एक अंदर से एक धाम का हम अंदर आएगा, सूक्ष्म एक अंदर प्राउड खड़ा होगा, गर्व खड़ा होगा, लेकिन मेरी कोई मेरे बारे में बुरा कोई बोलेंगे, कोई बुरी बात करेंगे, तो क्या मैं खुश होगी। ध्यान से सुनिए, प्रशंसा करेंगे तो मेरे अंदर बहुत उत्साह बढ़ेगा, इतना आनंद आएगा, मेरी इतनी ऊंची भी चलूंगी कि ओह इतने सुंदर साथ मेरी सिफत गा रहे हैं क्या। लेकिन वही सुंदर साथ थोड़ी देर में मेरे बारे में बुरा बोलने लगे तो भी मैं खुश, जितनी खुश मेरी प्रशंसा में थी, क्या इतनी खुश मैं अपने बुरा बोलेंगे अपने बारे में खुश रहूंगी क्या। यहां क्या बताया, भली बुरी न दुनी की तुम ल्यावो चित जिन ल्याए, मतलब ये मोमिनों ने क्या कर दिया कि संसार चाहे उसको भला कहे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बुरा कहे तो भी फर्क नहीं, बस एक हाथी की चाल, चाहे कुत्ते जितने भी भौंकते रहे उधर की ओर ध्यान ही नहीं देना। कोई हमारा, क्योंकि मैं खड़ी हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताऊ, मान लो डेड बॉडी, कोई मरा हुआ एक बॉडी पड़ा हुआ है ठीक है, यहाँ उसी पर कोई गुणगान गाए थोड़ी देर, उसको क्या फर्क पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद उसका कोई बुरा बोले क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर बाद कोई उसको गाली दे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद कोई उस पर संगीत गाए क्या फर्क पड़ेगा। तो ये मोमिन संसार से पूर्णतया मर गए, उसको क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आया। भली बोले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बुरी बोले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अंतिम बता के, पिंड ना देखो ब्रह्मांड एक देखो धाम धनी सूरत। क्या बताया,
भली बुरी इन दुनी की, जिन ल्यावो चित ल्याय, सुरत पक्की करो धाम की। हे सुंदर साथ जी, अभी हम सबको बता रहे हैं यहाँ कि वो सुंदर साथ ने तो ये सब कुछ मिटा दिया आपने अपना, तुम भी ऐसी इसी राह पर चलो और अपने पारतम तन मूल मिलाव में कहाँ बैठे हैं। बस सूरत पक्की करो धाम की, तुम्हारी सुरता आत्मा जो इस संसार में परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप में इस नश्वर खेल को देख रही है, तो इस आत्मा को फिर मूल मिलाव में ले जाकर आप देखिए। इतना नहीं, आपका सिंगार कैसा है परात्म तन का, कैसे वस्त्र धारण किए है, कैसा आभूषण, कैसा दिव्य नूरी आपका परात्म का तन है, उसमें से कितना नूर निकल रहा है। ये नूर आसपास में मूल मिलावे में थंबों के साथ कैसे टकराव कर रहा है। इतना नहीं, ऊपर हरे रंग के चंदरवे में कैसा टकराव कर रहा है। ऊपर से नूर नीचे आ रहा है, नीचे से नूर ऊपर चंदरवे में जा रहे, चंदरवा को चीर कर भी ऊपर आसमान तक जा रहा है। अरे सुंदर साथ जी, आपके किशोर किशोरी वाला दिव्य मूल परात्म तन को तो देखो, क्या बताए। और मेरे मीठे बोले साथ जी में भी अंतिम छुपाए, ये में भी बताया कि महामति कहे मलपतिया आओ नीच वतन। इतना नहीं, वो मूल मिलावे वाला प्रकरण में भी बताया कि महामति कहे मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन, महर करिए मासुक ने लीजो रूह के अंतस करण। क्या बताया कि तुम्हारे जो मूल स्वरूप है और परातम को लेके बिलसिय संग खसम, तुम्हारा पर आत्म कहाँ बैठा है, उसको लेकर कहाँ। महामति कहे मलपतिया, महामति कहे मलपतिया आवो निज वतन, आवो निज वतन, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। फिर क्या बता, हुआ तुम्हारा किसका हुआ श्विटी, किसका हुआ काम, हमारा किसका हुआ। हमारी नजर इधर की ओर मत ले जाइए, राज जी कितना लाड करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि तू हे लाडली मेरी ओर ही नज़र बना के रख, तू इधर की ओर एक सेकंड के लिए नज़र ले जा रही है ने, तो मेरे अंदर युगो समान ये पल बीती जा रही है, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह पा रही हूँ। लाला जी ने क्या बोला, तो एक क्षण मेरे से नज़र जब फिराती है ने, मतलब उधर की ओर घुमाती है ने, तो मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह पाता। देखो लेकिन 400 साल आसानी से चला गया ने, कितनी नज़र घुमाई संसार में, क्या कोई कम घुमाई है नज़र संसार में, अभी कोई बाकी है देखने की चीज़ें। राज जी ने क्या बताया इस प्रकरण के माध्यम से, भले बुरी न दुनी की तुम जिन चित लियाओ और सूरत पक्की करो धाम की। हमारा मूल तन कहाँ बैठा है, मूल ये तो ज्ञान से पता लग गया, स्वरूप थोड़ी देखा है। ध्यान से सुनिए, ज्ञान से पता चला, वाणी पढ़ते हो ना इसलिए पता है कि मूल मिलावे में, लेकिन स्वरूप से थोड़ी देखा है हमने, देखा हमने किसी ने अपना परातम तन स्वरूप से नहीं देखा। देखो पीछे दीदी हाथ ऊंचा कर रही है कि स्वरूप से हमने हमारे तन को नहीं देखा है। फिर दूसरी चौपाई में क्या बताया, दुख सुख डारो आग में इन झूठी माया के। बताओगे आप बहुत, मतलब इतना पीड़ा होगी सुन के। मान लो आपके पास कोई धन संपत्ति या कोई भी चीज है संसार की, ठीक है, आप आग में जला दो, बाद में वो किस
रूप में परिवर्तित हो जाएगा, किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, राख में, मिट्टी में, ठीक है। जो भी चीज है हमारे पास, वो एक बार आप उसको अग्नि लगा दो, एक चिंगारी लगा दो, तो जलकर एक मिट्टी या राख में परिवर्तित हो जाएगा ना, ठीक है। फिर कुछ बचेगा? इन मोमिनों ने क्या किया, दुख सुख डारो आग में, इन झूठी माया के, इस झूठे संसार के जो सुख है ने, हम तो सुख आएगा तो इतनी ऊंची मतलब चले गए, इतनी मस्ती में इतना नशा चढ़ा रहेगा, सुख तो सब चाहेंगे, सुख में तो सुख दायम वाला मतलब परमधाम में तो सुख ही सुख था, ये बात यहां नहीं है। कहने का भाव कि सुख जब होता ने तब तो सब नशे में डूबे रहते, छलकते अंदर से, लेकिन दुख में हम कितना धैर्य बना के रखते हैं, दुख में तो दुखी हो जाते ना हम। या मोमिनों ने क्या किया, चाहे संसार में सुख आया ने वो भी आग में छोड़ दिया, मतलब जला दिया। हम तो सुख आता ने तो संसार में पूरी तरह भोग लेते हैं, कितना विषय सुख भोगे, कोई बाकी है संसार में? हमने कितने विषय सुख भोगे, क्या बेटा कोई बाकी रहा? इन मोमिनों ने सुख भी नहीं भोगा, वो भी आग में जला दिया, कि ये सुख भी दुख का कारण है, ये भी पीछे दुख देंगे, सुख भी पीछे दुख देंगे, नहीं चाहिए ऐसा सुख, ये झूठी माया के, क्योंकि माया मूल से ही झूठी है, नस्वर है, बंजापूत है, ससक सिंह है, वो मूल में ही अस्तित्व नहीं है, तो वो क्या सुख देगी जिसके पास है ही नहीं। ये माया ही प्यासी है तो और दूसरे पिलाने वाले को क्या पिलाएगी, उसके पास भी पानी नहीं है, झूठी माया के। और पिंड ना देखो ब्रह्मांड, देखो पिंड भी ना देखो और ब्रह्मांड भी ना देखो, लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही। ये तो इन मोमिनों ने करके दिखाया कि राज्य में बस एक बार लग गई, उसने पिंड ये शरीर की ओर नहीं देखा और संसार की ओर भी नहीं देखा। और क्या बताया, पिंड ना देखो ब्रह्मांड, सूरत देखो, धाम धनी की सूरत को देखो, बस युगल स्वरूप के शोभा में, युगल स्वरूप के सिंगार में, उस स्वरूप के प्रेम में डूब जाइए, बस किसी और नहीं देखना है। ये 12 मोमिनों ने सुख दुख सब आग में जला दिया, पिंड नहीं देखा ब्रह्मांड, कैसे, अपनी सब कुछ इच्छाएं मार दिया, कोई तृष्णा ही नहीं बची, तृष्णा इच्छा बचती तब तो संसार के सुख का इंद्रियों के माध्यम से भोग करते, बाकी तो संसार तो इस विषय वासनाओं के पीछे पागल है। और हम सुंदर साथ भी इतनी वाणी को समझकर भी कितना त्याग किया, इन मोमिनों को देखकर हम सुंदर साथ जी एक बोध ले ले। और आगे राज्य ने तीसरा जो 12 मोमिन में तीसरे सुंदर साथ कौन है, कायम मुल्ला, वो नानिया फिरका के थे, उसने श्री जी की उपली पहचान की थी, भले उपली की, ये कौन है नानिया फिरका वाले कायम मुल्ला, हम तो है, हमने भी अभी कहाँ पूर्ण पहचान की है, ठीक है। उसने तो उपली पहचान करके भी वो धर्म युद्ध में तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम उपली पहचान में 2 दिन के लिए यहां भी समय की कुर्बानी देने के लिए नहीं पहुंच पाते, बात तो बड़ी बड़ी करते। और चौथा भीम भाई सूरत के महाजर, वो भी धर्म कार्य के लिए अपने परिवार को छोड़कर समर्पित हो गए। ये 12 मोमिनों का जो मैं नाम ले रही हूं, फिर मैं एक साथ 12 मोमिनों का नाम बताऊंगी आपको। और उसके आगे खंभात के सोमजी भाई, उसने भी क्या किया, वो भी राज्य की
प्रेम की राह पर चल पड़े, अपने परिवार की ओर नहीं देखा, परिवार तो खंभात में है, लेकिन वो पहचान कर लिया, बस निकल गए। धर्म की राह पर बलिदान देने के लिए और सूरत वाले दूसरे सुंदर साथ नागजी भाई, वो भी कुटुंब कबीला छोड़ के निकल पड़े। अपने दिल में बस धाम धनी के सिवा इसके अतिरिक्त कोई आशा ही नहीं रही। और खिमाई भाई बुंदेलखंड के, उसने भी प्राणा जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान कर ली थी, तो वो भी निकल पड़े। और दयाराम भाई, उसने भी राज्य के ईमान, राज्य पर इतना पूर्ण ईमान था, तो वो भी निकल पड़े। और दयाराम भाई के बाद चिंतामणि जो कबीरपंथी थे, उसने भी तारतम वचन सुन के पहचान कर ली, वो भी निकल पड़े। इसके बाद चंचल जी, वो भी ईमान लाए, वो भी इस धर्म कार्य के लिए, धर्म युद्ध के लिए निकल पड़े। उसी के बाद बनारसी भाई, ये भी निकल पड़े, जो बारह सुंदर साथ का मैंने आपको नाम बताया, इसमें कौन कौन से हम याद कर ले, दो सूरत के, दो ठट्ठा नगर के, एक खंभात के, एक बुंदेलखंड के, छह हो गए। दो सूरत के, ठीक है, दो ठट्ठा नगर के, एक बुंदेलखंड के और एक खंभात के, छह हो गए, और छह दिल्ली के। उसमें कौन कौन से, सूरत के दो नागजी भाई और भीम भाई, और ठट्ठा नगर के दो लालदासी और चिंतामणि, और खंभात के सोमजी भाई, और बुंदेलखंड के खिमाई भाई। छह नाम याद रह गए। ये छह मोमिन धर्म की राह पर बलिदानी देने के लिए निकल पड़े हैं। और छह दिल्ली के जो सुंदर साथ है, उसमें एक दयाराम भाई, एक चंचल जी, एक बनारसी, एक गंगाराम, चार हुए, और दो मुसलमान शेख बदल और एक मुल्ला कायम, छह हो गए। तो ये छह सूरत के, सॉरी, ये छह दिल्ली के और दो सूरत के, दो ठट्ठा नगर के, एक बुंदेलखंड के और एक खंभात के, ये बारह मोमिन ये क्यामत संबंधी, इमाम मेहंदी संबंधी संदेश देने के लिए अपना तन, मन, जीव और आत्मा इस इश्क की राह पर समर्पण कर दिया। प्रेम की राह पर अपना त्याग, अपना तप, अपना समर्पण, इतना नहीं, उस अग्नि में कैसे उन लोगों को जलाएंगे, ये आप आगे देखेंगे। ये बारह मोमिन जब एकत्रित हुए और आपस में विचार विमर्श किया कि चलो हम क्या करें, तो जामा मस्जिद की सीढ़िया पर जाके वहाँ सनंद गाए। क्या गाए? सनंद गाए। और सनंद जब हम गाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जो मुसलमान लोग मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग सुनेंगे। सुनने के बाद वो बादशाह औरंगजेब को संदेश पहुँचाएंगे, और बादशाह जैसे ही संदेश सुनेंगे तब सीधा ही हमको बुलाएंगे। जैसे ही बुलाएंगे तो वहाँ हम प्राणा जी का पैगाम दे देंगे। यही विचार लेके, यही अंदर भाव लेके मोमिन यहाँ बताया कि आपस में मसलत करी, जाए जुम्मे महजद, तहाँ जाए सनंदे पढ़िए, सिफत जो मोहम्मद। सब सुंदर साथ ने आपस में विचार विमर्श किए और क्या सनंदे गाए। वहाँ जामा मस्जिद में एक ही बस लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि हमारी सनंद सुनकर, ये सनंद वाणी का गायन सुनकर वो अंदर संदेश दे देंगे। माई ने यहाँ सनंद की चौपाई हम दो गाए के, माई ने सो लेवे शब्द,
जो रू अरस की होए। एक रसूल आया नूर पार से और ख्वाबी दम सब कोए। क्या बताया, एक मायने जो शब्द रसूल के रू अरस की होए, एक रसूल साहिब का जो दिया हुआ गुज मायने है क्या कुरान के मार्फत में, कुरान के माध्यम से जो रसूल साहिब ने लिखा है कोई संकेत इशारा दिया है, वही कुरान फिर बातूनी रूप में गुह्य भावों में सनंद उपला मायना रद्द कर दिया, मनसुख कर दिया और बातूनी रूप में ये सनंद के रूप में अवतरित हुआ। तो ये गाया तो रसूल आया नूर पार से, तो ये रसूल साहेब नूर पार मतलब अक्षर से परे अक्षरातीत दिव्य धाम से वो रूब रूब बातें करके क्या किसके सामने, खुदा ताला के सामने, और वहां से वो पैगाम लेके आया है। जब मोमिन वहां जामा मस्जिद की सीढ़िया पर चढ़कर ये सनंद गा रहे हैं, एक ही बस उद्देश्य है कि बस ये सनंद ये लोग सुन ले और हमारा संदेश वहां तक पहुंचा दे। कहां तक, औरंगजेब बादशाह तक। और दूसरा है कि पैगंबर यो पुकारिया, पैगंबर यो पुकारिया, मैं अल्लाह का रसूल, पैगंबर यो पुकारिया, मैं अल्लाह का रसूल, संग मेरे सो चले जो सिन्हे, जो चिन्हे सबद रसूल। पैगंबर यो पुकारिया, मैं अल्लाह का रसूल, वैसे जो पैगंबर 120,000 पैगंबरियां आए, इसमें अंतिम पैगंबर कौन थे, मोहम्मद साहेब। तो और पैगंबरों ने भी क्या पुकार की, क्या दावा लिया कि मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का संदेश वाहक। लेकिन यहाँ तीसरे चरण में ये बताया कि सो संग वो चले, मतलब संग मेरे सो चले, कौन चलेगा, जो नूर पार से आया है वो सत्य शब्द की पहचान की है वही तो चल पाएगा। तो ऐसी सनंद हमारे मोमिन कहाँ गा रहे हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, जामा मस्जिद में। तब ये सनंद वहाँ मस्जिद के इमाम ने सुन ली, किसने सुनी, मस्जिद के इमाम ने। जैसे इमाम ने ये सनंद सुनी तो अंदर से इतना आनंदित हुआ, इतना अंदर से प्रफुल्लित हुआ, प्रभावित हुआ इस वचनों को सुनकर कि ऐसे खुदा ताला अल्लाह ताला का कौन संदेश सुना रहा है। तो सीधे जो उपले कक्ष में था वहां से उतरकर वो नीचे आया, कौन, मस्जिद का इमाम। और आके मोमिनों के सामने जब देखा, मोमिन जब सनंद गा रहे थे, ये मोमिन कौन थे, कौन थे सुंदर साहब जी, ये मोमिन हम ही तो थे, हमारे सुंदर साथ तो थे ये मोमिन, हम ही मतलब वाहिदत में हम सब एक है। तो हम जो इस संसार में सब एक साथ में आए, ये मोमिनों ने जो चल के दिखाया वाहिदत में हम एक रस एक रूप, तो तब हो गए, कब, जो ये मोमिन चले उसी राह पर, एने पगले आपन चालिए। तो यहाँ इस प्रकरण के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से क्या सिखाया दामधनी ने, कि मोमिन इतने तेज भरे स्वरों में और मुखारविंद पर भी इतना नूर था और सनंद जब गा रहे थे और बीच में जब उसने खुदा ताला इमाम की बात सुनी तो ये इमाम नीचे आया और आके मोमिनों के सामने देखा और उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के क्या बोला कि चलो मैं आपको बादशाह के पास ले चलता हूँ। और यहाँ ये इमाम सब मोमिनों को लेके कहाँ चले, बादशाह के जा अभी सामने जामा मस्जिद के सामने जो उसका घर है, अभी का लाल किला कहा जाता है। तो वहाँ मोमिन
मोमिनों को लेकर इमाम चले और अपने घर में ले गए और वहाँ चबूतरा जो था वो चबूतरे के नीचे तले सबको खड़ा कर दिया और इमाम ऊपर गए, कहाँ बादशाह के घर के अंदर प्रवेश किया और वहाँ जाके हमारा संदेश पहुँचाया। इस प्रकरण का नाम ही यही है, औरंगजेब बादशाह से भेंट। वहाँ इमाम अंदर गए। सुंदर शाह जी, इसी समय मुगल शासन का जो समय था, ऐसे शरीयत का जो शासन था, शाहजहाँ के समय में तो हिंदू का मुख भी नहीं देखते थे, सिधाई गर्दन कटवा देते थे। आज मोमिनों ने कहाँ तक की वो कुर्बानी और न किस अवस्था पर पहुँच के, कहाँ तक वो पहुँच चुके, मोमिन उसके दरबार में पहुँच चुके, वहाँ थाना थाप रहे। और इमाम अंदर जाके बादशाह को बोला कि बादशाह, इमाम मेहंदी का संदेश आया है, तुम बाहर आइए, ये इमाम के मोमिन आपके घर में यहाँ चबूतरे तले तक पहुँच चुके हैं, आप आइए। तब जैसे बादशाह ने यह बात सुनी, वो अपने खास अंदर के महल से निकलकर आम मतलब आगे जो फ्रंट का आगे का भाग है दीवाने आम में आके वो मोमिनों की तरफ देखने लगे। मोमिनों की तरफ जो 12 मोमिन नीचे चबूतरे तले खड़े हैं वहाँ सामने देखा और आके क्या पूछने लगे, संकेत में पूछा, शब्दों के माध्यम से नहीं, ऐसे संकेत में पूछा कि क्यों आए हैं आप और आप क्या चाहते हैं। तब मोमिनों ने पहले क्या जवाब दिया, कलमा सुनाया, ला इल्ला इन इल्ला मोहम्मद रसूल इल्ला। फिर थोड़ी देर के बाद बादशाह के हाथ में एक छड़ी है, लकड़ी है, और उसको ऐसे ही टेके देते हुए वहाँ चबूतरे पर ऊपर आम में दीवाने में खड़े है और वहाँ से फिर दोबारा संकेत के रूप में पूछा, क्या आप क्या चाहते हो, किस लिए आए हो, आपका क्या कारण है आने का। तब फिर संकेत में पूछा, तब मोमिनों ने क्या जवाब दिया कि हम दीन ए इस्लाम के आशिक है, हम दीन ए इस्लाम के आशिक है, हम सच्ची राह पर चलने वाले प्रेमी आशिक है। फिर थोड़ी देर तो सब शांत हो गया। फिर बादशाह ने पूछा कि ये बात तो मैंने सुन ली कि पहली बार आपने बोला कि हम दीन ए इस्लाम के आशिक है और आपने कलमा सुनाया, लेकिन आप बोलिए ने, आप क्या चाहते हो। तो सुंदर शाह जी, अभी मैंने 1.5 घंटे जो इस विषय पर चर्चा ली है बहुत विस्तार से, पूरे कीर्तन ग्रंथ के प्रकरणों के चौपाइयों के माध्यम से, तो इसी बात पर मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगी। तीसरी बार फिर बादशाह ने पूछा और 3 बार अपनी वो छड़ी को भी चूमते हैं और क्या बोला उसने, तीसरी बार भी पूछा कि क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, आप मांगिए क्या चाहिए आपको। तब मोमिनों ने क्या मांगा कि हे बादशाह, हमको इस संसार की कोई नश्वर चीज नाचीज नहीं चाहिए, इस संसार की कोई तुच्छ चीज नहीं चाहिए, बस हम तो आपके साथ एकांत में बातचीत करना चाहते हैं और हमारे और आपके बीच में और कोई आपके दरबारी कोई अधिकारी बीच में दखलबाजी ना करे, बस हम और आप दोनों एक क़यामत संबंधी बात करना चाहते हैं। देखो कोई डर नहीं है, क्यों डर नहीं है,
अपने अंदर राज्य का जोश भरा है, प्रेम में डूबे हुए हैं राज्य के। सुंदर साची, हमारे सिर पर पल पल राज्य खड़े है, हम क्यों माया के जीव से डरे? या मोमिनो ये बल लेकर निकल पड़े है कि अंदर राज्य का जोश है, राज्य का प्रेम है और राज्य की मेहर भी पल पल बरस रही है। तो देखो सामने शत्रु की तरह ये औरंगजेब बादशाह और उसके अधिकारी लोग भी खड़े है, तो यहाँ कोई बात का डर नहीं है। जब ये बोला ने तब बादशाह 3 बार लकड़ी और छड़ी को चुमके आसमान की ओर नजर किया, फिर क्या बोला, खुदा ताला की ओर, आसमान की ओर नजर करके खुदा ताला को याद किया और बोले कि खुदा ताला, अल्लाह ताला, रहमत करो, रहमत करो, रहमत करो, मतलब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। क्योंकि कलमा सुना अंदर से बादशाह के अंदर सुंदरसा जी, क्योंकि परमधाम की सकुमार की आत्मा थी तो दिल तो पिघलेगा ही, नरम तो होगा ही होगा, रूह तो उसके अंदर तो कोई जीव वाला विकार है ही नहीं, वो तो दृष्टा के रूप में है। तो संदेश चोर तो भले जीव सुन रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए, ये चौपाई में स्पष्ट कर दिया है अभी तक में कि बादशाह के अंदर ईमान भी थोड़ी देर के लिए आ गया, लेकिन जो आसपास में जो अधिकारी लोग खड़े थे उसमें खलबली मची गई। उसने क्या किया, ये पीछे हम कल सुनेंगे, उसने क्या बोला कि हे बादशाह, तुम सीधे उसी के साथ क्यों बात करिए? 10 हिंदू है और 2 मुसलमान है जो अभी मैंने नाम लिया, ये 12 जो मोमिन आए, ठीक है ये खुदा के सच्चे आशिक है, मोमिन है, लेकिन आप तो कैसे हो? आपके पिताजी शाहजहां के समय में जब हिंदू के मुंह देखते तो गर्दन कटवा दे, कितना कड़क ये समय था, और आज आप तो सीधे ही उसके सामने बात कर रहे हो। ऐसा मत करो, कोई आपके नदी की व्यक्ति को वहाँ मोमिनों के सामने खड़ा करो, वो जो भी हो जांच कर लेंगे, वहाँ पूछ लेंगे और आपको जो भी हो वो पता दे देंगे, जो सत्यता है क्या वास्तविकता है ये आपको बता देंगे। आपको सीधी बात करनी ये तो आपके लिए खतरा है। तो यहां सुंदर साहब जी क्या हुआ, एक बार दिल में अंदर विश्वास तो आ गया था, लेकिन इन मोमिनों ने कितना प्रयास किया आसपास के अधिकारी लोगों ने, अंदर तक संदेश, क्योंकि ये लोग आंख में क्या थे, मोहर लगी थी, दिल के भी अंधे थे, इबलिस का मन था, अजाजिल का जीव था, ये आगे कलम सुनेंगे सब। ये लोगों ने संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। तब तक तो एक सिपाही आया, सिपाही ने भी बताया कि अरे तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, आपको इतनी नज़दीक से जाके ये काम नहीं करना चाहिए, ये तो सब कुछ हम भी कर लेते हैं। तब बादशाह ने सीधे आदेश दे दिया सीधी पोलाद कोतवाल को कि जाओ तुम उसको लेके जाओ, जो भी वास्तविकता है वो आप पूछ लो और जांच करके मेरे को बता दो। इतना नहीं, क्योंकि बादशाह के अंदर सकुमार की आत्मा थी, उसने बोला कि उसको खाने पीने की सुविधा आप अच्छे ढंग से करना, अच्छे तरीके से करना, देखो ये मोमिन दुखी ना हो। देखो कितनी अच्छी बात बादशाह ने रखी है, लेकिन आसपास के नदी के लोगों ने ये संदेश नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि मूल स्वरूप की इच्छा अभी नहीं थी, तो ये काम नहीं हो पाया उसी समय, और समय भी हो चुका है सुंदर साहब जी। तो अंतिम चौपाई को हम दोहरा दे, इनों को निके राखियो खाने पीने की खिजमत, दिलगिर होने न पावी में सौंपे तुमको इत, जो अभी मैंने अंतिम आपको चर्चा की कि उनकी खिजमत मतलब सेवा, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ना, मतलब जो भी चाहिए आप ध्यान दिल से सेवा करना है, हे दरबारी अधिकारियों को बोल दिया और आगे बताया कि इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खड़,
बड़ा जिनके घर के संग थे तिने भैया बड़ा डर। इसी समय जब दिल्ली नगर में पूरी खलबल मच गई, क्योंकि किस लिए सबको पता चला कि सब 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह की कैद में है, तो वहाँ सबको पता था शाहजहाँ के समय से क्या चल रहा था, और उसी समय के बाद ये औरंगजेब बादशाह ने भी अपने पिता को भी नहीं छोड़ा है, जेरी तेल के मालिश से अपने भाई दारा सिकोह को भी नहीं छोड़ा है, और यहाँ तेग बहादुर के भी सुंदर साहब जी इसमें प्रमाण दिए अभी तक साहब में कि वैसे वैसे उसने कितना हत्याचार किया है, औरंगजेब बादशाह भी कितना क्रूर था, और वो सबको पता था नगरजनों को कि जो कोई भी बादशाह की कैद में जाएगा वो कभी भी जीवित वापस नहीं लौटेगा। तो पूरे नगर में खलबल मच गई, तो दयाराम भाई के घर में ज़्यादा वो खलबल मची। उस घर के लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम ऐसा करें कि दयाराम भाई के बदले कोई दूसरे व्यक्ति को वहाँ पैसा देकर रख दे और दयाराम भाई को वापस घर पे बुला ले, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते तो अपना स्वार्थ चाहते हैं ना, उसको धर्म के लिए क्या कुर्बानी क्या बलिदान, उस संसारी जीवों को थोड़ी पता है कि किसके लिए वो मर रहे, किस युद्ध के लिए वो निकल पड़े। संसार में तो बहुत हमने युद्ध किए, ये संसार की मिलकत माल धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए क्या पाया, और पाने के बाद हमारे साथ कितना आएगा, तो कोई किसी ने नहीं रोका। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने ये शरीर संसार के पीछे कितने जन्मों में खत्म किया किया ने, बहुत से जन्मों में। इस बार राज्य की राह पर कुर्बानी के लिए निकला है और स्वार्थ के रिश्ते रोक रहे हैं, तो यहाँ क्या लेना चाहिए भाव? दयाराम के जो परिवार जनों ने सोचा कि दयाराम जीवित आ जाए, बाकी सब भले कुर्बानी की राह पर मर फिटे, तो यहाँ सुंदर साजी इस प्रसंग के माध्यम से हमने ये सुना, और अंतिम ये पृष्ठ पूरा होता है तो ये हम चौपाई दोहरा दे। बोलिए श्री प्राणनाथ, दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे और, हम पहुंचावे और। बोलिए श्री प्राणनाथ, प्रणाम सुंदर साजी।